आंसर की नमस्कार दोस्तों, मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि आप सड़कों पर या घरों में अन्य जगहों में देखने को मिलता है, वो है एलईडी ट्यूबलाइट। वैसे ट्यूबलाइट के लिए जो कि पहले जो लगता था, पर यह एलईडी ट्यूबलाइट में यंत्र होता है जो उन ट्यूबलाइटों की अपेक्षा आँखों में चुभन होता था, कम रोशनी आता था। पर एलईडी ऐसा इलेक्ट्रिक का डिवाइस आ गया है जिसकी सहायता से बिजली कम लगता है और रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा देता है, उससे दुगना देता है। तो एलईडी को देखने के लिए पहली बात तो आप इनको देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी समय। और दूसरा है कि अगर छात्र हो चाहे मैकेनिक हो, वो कापी कलम लेके बैठ जाए। जो कहकर चीज़ बताऊंगा ध्यान से देखेंगे तो आपको सीखने मिलेगा, और सीखेंगे तो पैसा कमाएंगे। तो चलिए पहले तो बता दो एलईडी क्या होता है। एलईडी एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रकाश में बदलता है। यह एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इम्प्रिंटिंग डायोड। फिर बोल नाम है लाइट इम्प्रिंटिंग डायोड कहते हैं। लाइट ये हो गया। अब एलईडी के जिनके द्वारा आप क्या काम लेते हैं, जैसे कि रोड में जो घूमते हैं जो बचा जा सकता है, या बरसात के मौसम में बचा जा सकता है, या भिन्न भिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं और सड़कों पर वाहन चलते हैं, इससे भी बचा जा सकता है। चलिए एलईडी के जो ट्यूबलाइट है जो बताया बता रहा था, इसके भागों का नाम बताइए। पहला तो बॉडी है, उसके बाद आपका चोक है, वायर है, और एलईडी प्लेट है। ये मुख्य भाग हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए क्या मैं बता रहा हूँ, उसको देखें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर देगा, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ एलईडी के जो मैकेनिक मैं और मेरे दोस्त द्वारा बनाए हैं, रिपेयरिंग करने के बताएंगे। रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बारे में देखिए और समझिए क्या चीज़ है। और इसके लिए चलिए देखता मैं ले देता हूँ आपको। ये ट्यूबलाइट है जो कि बिगड़ जाने के बाद फेंक देते थे, पर हमारे सर ये बनाए हैं जो कि बनाए हैं या यहाँ बनाए हैं जो कि इनके बारे में पहले तो भागों के नाम बताएंगे और प्लस कैसे कैसे बनाना है और बताएंगे, और यह एलईडी जो फेंक देते थे वो उपयोगी करना सिखाएंगे। और इसको ध्यान से देखिए सर, बताइए अब पहले भागों का नाम बता दीजिए क्या क्या है इसका है। देखिए, ये एडाप्टर का काम करता है, ठीक। ये एडाप्टर काम करता है, पूरी पर जो भी कंपोनेंट लगे हैं, ये 220 सप्लाई लेता है और कम से कम 50 वोल्ट तक इसको देता है, ठीक अच्छा है। अच्छा मतलब वोल्टेज को कम करके और डीसी सप्लाई करके आगे एलईडी को देता है। और ये है, इसके अंदर एलईडी लंबी स्टिक लगी रहती है। जैसे बल्ब में हम एलईडी जो खराब होते हैं, एलईडी निकाल के उसको शॉर्ट कर देते हैं, इसमें भी वो काम करके इसको जलाया जा सकता है। जैसे दिखाएंगे तो नहीं दिखाइए इसमें एक रेजिस्टेंस उड़ गया था, इसमें इसी की वजह से नहीं जल रहा था, मैं अच्छा चेंज कर दिया, अब ये जल रहा अच्छा है। हाँ, तो जला के दिखाइए तो नहीं, सैंपल पे उसमें डाल के दिखाइएगा।
अब मैं इसको पहले जला के दिखा दे रहा हूँ, फिर डाल के भी जला के। ये एलईडी ट्यूबलाइट के अंदर डाल देने से ये आँखों पे एकाएक चुभन टाइप का नहीं होता है और रोशनी बढ़िया से फैल जाती है। देख लिए सर, कैसे क्या क्या कुछ अच्छा रखेंगे, सावधानियां क्या रखेंगे? सावधानियाँ ये है कि वैसे तो पैक रहता है चारों तरफ से, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी ओपन रहता नहीं है, ये भी अंदर चला जाएगा, हाँ वायर भी अंदर चल जाएगा, दोनों तरफ से कैप लग जाएंगे, तो बस ये है कि यार ऊपर से फूटे उठे ना, मतलब कुछ लोहे का अदर लगाएंगे क्योंकि प्लास्टिक ही है, फूट जाएगा तो अंदर जाएगा तो फिर कीड़े मकोड़े जाएंगे, फिर गंदा भी हो सकता है, रोशनी भी कम आ सकती है। इसको चेक करने के लिए क्या है, क्या क्या प्रयोग करेंगे चेक इसको करने के चेक, लिए? वैसे तो ये अंदर से फिट रहता है, आप इसको खोल नहीं पाएंगे, कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन ही खोल पाएगा। अच्छा हाँ, अब यदि इसको सीखना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ से कैप निकालेंगे, फिर ये अच्छा वायर निकालेंगे, फिर ये एडाप्टर टाइप का कंपोनेंट लगे हैं, इनको आप ये कैपेसिटर लगे हैं, ये सब निकाल निकाल के वोल्ट मीटर से एम्पियर मीटर से सब चेक कर सकते हैं, फिर डाल के फिर असेंबल कर सकते हैं आप। नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या क्या एस्टिमेट पे करेंगे, एस्टिमेट हैं इंस्ट्रूमेंट आप वोल्ट मीटर से चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से। या सीरीज से हैं? हाँ, सीरीज से ये नहीं होगा, सीरीज से नहीं होता, सीरीज से इलेक्ट्रिकल सामान चेक करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा सीरीज से इलेक्ट्रिकल सामान आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये सब हमेशा मल्टीमीटर से ही चेक होते हैं क्योंकि अच्छा ये बहुत जो कम वोल्ट होते हैं। ये पार्ट बने हैं तो ये सब पर्दे ले जाते होंगे, जैसे नहीं, तो बताइए कौन कौन पार्ट इसमें, ये ऊपर से ये रेजिस्टेंस है, और ये मतलब वोल्टेज को कैपेसिटी करता है, कैपेसिटर रखता है, और ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। और भी लगा कुछ लगा ना, ये ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर है, छोटा सा ट्रांसफार्मर है आप प्लेट ये। है, हाँ, प्लेट है और क्या। ठीक है। ये आपके सामने सीरीज बल्ब है, देखिए ये सीरीज है, ये सीरीज है। अच्छा, सीरीज क्या होता है, यही जैसे यंत्र हाँ, है? यही सीरीज है, अच्छा सीरीज में ये बल्ब जल रहा है, अच्छा ये तार हटाएंगे बल्ब बंद हो जाएगा, यही सीरीज अच्छा होता है। अब मैं चेक करूंगा सीरीज में कोई कुछ भी नहीं होगा, देखिए बल्ब जल रहा है नहीं जल नहीं रहा है, जला, कुछ भी नहीं बताएगा वो सीरीज, बताएगा नहीं है बताएगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक समान में। हाँ, क्योंकि अच्छा ये बहुत कम वोल्ट से जल जाता है ना, अच्छा कम वोल्ट से ही जल जाता है, अच्छा इसलिए सीरीज से नहीं बताएगा।